जाना रहा, नमस्ते। काला काला हो गया तो पकोड़ा तो। दर्शन काला है ना, इसीलिए पकोड़ा भी काला हो गया। हमारे मम्मी जी का हाथ का खाना तो इतना टेस्टी होता है ना। दामी मचो दामी। आते ही किचन में कैप्चर कर दिया। पास्ता में अटैक। स्पेशल रेसिपी टेस्ट करेगी। ये वरे सोरे। हां, पूरा मीठा हो जा। गुड मॉर्निंग गाइस, टासी डिले सेवा र फेफुला नमस्ते। दिस इज योर दर्शन थामांग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शन व्लॉग्स। तो गाइस, आज के व्लॉग में आप लोगों के बहुत सारे डिमांड हुए थे, तो वही स्पेशल व्लॉग बनाने वाला हूँ। शायद थंबनेल और टाइटल देखे आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है आज का टॉपिक। तो मम्मी गुड मॉर्निंग, यहाँ पर है हमारे मम्मी जी। गुड मर्निंग। आज का स्पेशल टॉपिक क्या है? नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ संगीता किचन मा चाहिँ तपाईहरुको अब इच्छा अनुसार म बेसन को रेसिपी बारे, बेसन को झोल को चाहिँ रेसिपी, सोल्डर को झोल। तो गाइस, आज का स्पेशल रेसिपी जो हम लोगों ने कल लंच पे किया था, नेपाली दाल बोल के मम्मी ने बोला था, वो उसका नाम एक्चुअली लोकली हम सोल्डर को झोल या फिर बेसन का झोल। तो झोल मीन्स सूप। तो बेसन का सूप, तो लेट्स सी मम्मी जी कैसी बनाते हैं। संगीत किचन में बन रहे हैं बेसन के सूप झोल। सबसे पहले बेसन को भूनना पड़ेगा, सूखा बेसन को, पर जब तक ये लाल ना हो जाए। इसी तरह भून के रहना बेसन ला मजाले भुटेर भुटेर चाहिँ उसलाई चाहिँ हल्का रातो हुने गरी भुट्नु पर्यो पहिला यसलाई, होइन? पछि तेलसँग तेलसँगै भुट्यो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन नि त। पहिला भुटेर यसलाई अलग्गै निकालेर राखिहाल्नुपर्छ। फ्राई गर्न उसको अलग से यहाँ पर रख देना है फ्राई करने के बाद। उसके बाद मम्मी जी यहाँ पर ऑलरेडी देखिए कटिंग करके रखा है। टमाटर, प्याज, अदर, लहसुन को ये मैंने ये करी रखी हूँ। पापड़ भी नहीं भूये हुए थे। अदुआ, अदुआ, लहसुन। और यहाँ पर ये पापड़। ये पापड़ लगता है। किसलिए? ये तो अलग दे हुए बनो मने रो प्याज ही बनो। वो ये पकौड़े पकौड़े के लिए। गाइस देखिए, संगीतास किचन में आज पक रहा है स्पेशल नेपाली डिश। ये दर्शन का फेवरेट है। और यहाँ गाइस ये मेरा बहुत ही फेवरेट है बेसन को झोल। ये आटा को भी नहीं बनाना सकते इसमें बेसन को सट्टा। बहुत ही टेस्टी होता है। आप ये रेसिपी ट्राई करके जरूर एक बार ट्राई करना गाइस, बहुत ही अच्छा होता है। रात आटा को बनाने आटा को मुझे दाल के रिप्लेस में ये आप खा सकते, बहुत ही अच्छा होता है। हो रहा है लाल, भुनना पड़ेगा ना, तो एक बर्तन में अलग करना पड़ेगा। ओके गाइस, ये बेसन देखिए भून के हो गया तैयार। ये इसका कलर डिफरेंट आ गया, ब्राउनिश हो गया है। इसमें तेल डालना पड़ेगा। ओके गाइस, थोड़ा सा यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा। और गाइस, हमारे मम्मी जी का हाथ का खाना तो इतना टेस्टी होता है ना, मतलब अगर आप एक बार टेस्ट करोगे तो मतलब फैन बन जाओगे, फैन। आपका जीप अंदर जाएगा। पापड़ लाल पापड़ को फ्राई करने है अभी। पापड़ न डालने से भी होगा, लेकिन पापड़ डालने से और अच्छा टेस्ट आएगा ना। देखिए गाइस, अभी प्याज भून के उसके बाद प्याज टमाटर डाल के ये पापड़ हो गया रेडी। वेरी सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। और गाइस, गुंडरुक का जो गुंडरुक का झोल का रेसिपी भी सेम एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो आप गुंडरुक भी इसी तरीके से बना सकते हो, सिर्फ बेसन की जगह आप गुंडरुक डालना है। उसके बाद आप पापड़ भी डाल सकते हैं वहाँ पर, हल्दी। लाल होने के बाद और टमाटर डालना पड़ेगा ना, इसी तरह से डालना पड़ेगा। मम्मी जी से मैं कुछ सीख रहा हूँ। ये कृष्णा, ये कृष्णा है ना मम्मी जो वो भी। मम्मी जी से कुछ सीख रहा हूँ मैं गाइस। ना भगवान का तरह है। आप की कौन? बोलना बच्चन पूरा पकने पड़े ना। आले तर। क्या आले की ताला ना? चिपक रहा है ना? चिपक रहा है, चिपक रहा है। एक
इसे अभी अभी नमक डाला मम्मी जी ने तो इसके बाद और ये पापड़ है ना, पापड़ को इसका करके ऐसा करके यहाँ पर डालना पापड़ ऐसा करके ये ऐसे करके ये दर्शन के लिए थोड़ा थोड़ा करके तो पाक मत करेगा बेसन अलरेडी पाक चुका है। बेसन अलरेडी रेडी हो चुका है मम्मी। दामी भयो गाइस, दामी भयो। अब मीठो हुन्छ। बहुत मीठो, देखने में बहुत मीठो लग रहा है। और बेसन को इसमें ये ऐसा करके डालना पड़ेगा ना। देखिए कितना आसान है और बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी पक जाएगा ये, मतलब उतना टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा डाल के उसके बाद इसका चलाना पड़ेगा ना। ले तो तैयार हो गया। ये लो गाइस, बन गए हमारे नेपाली दाल अभी। इसमें और थोड़ा सा पानी देके थोड़ा सा उबालना है, उसके बाद हो जाएगा रेडी। और उसके बाद आज का लंच लाजवाब। और पानी डालना पड़ेगा ना, अभी उम्लिनु पर्यो। त्यहाँबाट चाहिँ अब यो चाहिँ कम्ती अलिअलि प्याजी बनाउँछु हो, प्याजी टकटक राख्के सुप्लुक सुप्लुक खान पड़ेगा। प्याजी टकलक टकलक। देखिए गाइस, ये उबल के अभी हो गया रेडी हमारे स्पेशल दाल। देखिए बेसन का झोल आप हो गए रेडी। बेसन को झोल, शोल्डर को झोल, बेसन का ग्रेवी, मसले का झोल जैसा लग रहा है ना। अभी मम्मी जी बना रहे प्याजी, तो इसमें भी बेसन ही है ना। आज तो बेसन का रेसिपी ज्यादा लग रहा है। ये चाहिए हुयो तिल र टमाटर को अचार पनि बनाउँछु। तिल टमाटर का अचार चाहिँ त अघि बनाए मैले हो। सुबह का ये क्या है, सुबह का पास्ता भी बचा कुचा है मम्मी जी। हां 2 बजे खाने रे, आज काम छ नि त 2 बजे। ओके 2 बजे खाएंगे। 2 बजे का आज बहुत काम है ना, ये पास्ता खाना पड़ेगा। 2 बजे के लिए सुबह बना के रख दिया हम। और गाइस, आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि अश्विनी किधर है, अश्विनी इधर है। अश्विनी देखिए क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। नया वाला वॉशिंग मशीन लेके आया था ना, इसलिए नया वाला वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है। आप तो पंजाबी जैसे लग रहे हो, तो पगड़ी वगड़ी पहन के पंजाबी कोई हो। मेरा बहनी भी आ गई। गर्मा गर्म दर्शनलाई चारवटा, मलाई चारवटा, चारवटा आशुलाई चारवटा, 16 बनाउँदा हुन्छ कतिवटा, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा। कितना कलर, कितना अच्छा कलर आयो होइन, रातो रातो तातो तातो मिठो मिठो। आफ्नो मुहै पानी आला होला सायद, मेरो मुहमा त अलरेडी आ चुका है, इसलिए मैं पापड़ खाऊंगा भाई। खाली करके बैठ नहीं सकते दर्शन करूँगा। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में पास्ता खाया था और दिखने में भाई 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 दिखने के बाद खाने का मन कर रहा है। और चटनी डालेंगे इसमें ये वाला। काला बताए, काला बैसे बेसी खरियो, काला काला हो गया। तो पकौड़ा तो दर्शन काला है ना, इसीलिए पकौड़ा भी काला हो गया। मेरे जैसा हो गया काला काला। देखिए बहुत ही डिलीशियस लग रहा है स्पाइसी चटनी के साथ।
Wow. पास्ता थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन बहुत टेस्टी है। देखिए बहुत मीठो है और ये प्याजी पकौड़ा थोड़ा डर गया है, प्याजी डर गया है, दामी बच्चा दामी दामी सुपर टेस्टी। मेरा पास्ता कैसा हुआ? नमस्ते पास्ता। अचानक भी आई है यहाँ पर, आते ही किचन में कैप्चर कर दिया है। पास्ता खाने मन लगे ना पूरा, सुबह का पास्ता है। मम्मी जी बोल रही थी 2 बजे खाने वाले लेकिन पूरा मम्मी जी का पास्ता खत्म कर दिया। पास्ता पास्ता में अटैक हो रहा है मम्मी जी। पास्ता में अटैक अश्विनी कहाँ गुम हो गई थी? ओके गाइस अभी लंच टाइम है। लंच में राइस, आज का स्पेशल रेसिपी बेसन शोल्डर को झोल, प्याजी, दही और चटनी। अश्विनी तो ऑलरेडी शुरू हो गया और हमारे ऑडियंस में यहाँ पर और टार्जन भाई भी आए गाइस। गाइस टार्जन भाई थोड़ा सा बीमार है अभी, इसको क्या हो गया, जंडिस हो गया है। आँख दिखाओ, जीभ दिखाओ, नाक दिखाओ। ये ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ इसको, देखो हल्का फुल्का बीमार हो जाएगा। थोड़ा बीमार है मेरा बेटा, थोड़ा बहुत हो जाएगा ना, ऐसा करना पड़ेगा बेटा को। लेट्स टेस्ट आज का स्पेशल रेसिपी क्या हो गया है। ये देखिए आज का सूप, डैडी जी आज घर पर नहीं है, डैडी जी पूरा बिजी है आज, सुबह से बिजी। बेसन का दाल, बेसन को शोल्डर को झोल, शोल्डर को झोल है ना नेपाली, बेसन का दाल। ओके करेक्ट, मम्मी जी कैसा हुआ? अच्छा हुआ, वेरी टेस्टी। अश्विनी खाना कैसा हुआ? बेसन का झोल अच्छा है। माइजू प्याजी कैसा हुआ? बहुत टेस्टी है। टेस्टी? हाँ बहुत टेस्टी है। आज मामा जी किधर गए? मामा जी बेड में, ये वो सो गया, दोपहर के खाना खा के सो गया। नाइट का ड्यूटी है ना, इसलिए डालने खुशानी का टेस्ट भी अच्छा है। मैं जो बहुत अच्छा हिंदी बोल लेती है। भाई बता हमारा लंच हो गया कंप्लीट। और देखिए नानी मामी आ गए हैं आपके बहुत दिन के बाद व्लॉग में। नमस्ते सबै जनालाई, सबै जनालाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नानी मामी आपकी आज का स्पेशल रेसिपी टेस्ट करेगी, पास्ता एंड दाल त्यसमा हाल्दैछ। म त फेरि पकाउनु जान्दिनँ, मिठो हुन्छ खोइ को नि त, म त खाएको पनि छैन अहिले। खान त यस्तो ए होरेस होरेस मिठो भयो, त्यो तातो हुनुपर्छ नि, तातो सेली होला नि त अलिक। पास्ता चाहिँ चिसो थियो, सुप त तातै थियो। देखिए आप लोग पूछ रहे थे ना बहुत बार नानीमा किधर है, नानीमा किधर है, तो नानीमा भी आ गई, टार्जन भाई भी आ गए आज के ब्लॉग में। कसो भयो हजुरआमा, मिठो भयो? दामी दामी स्वादिष्ट अच्छा
एउटा गाना सुनाइदिइ हाल्नु अब सबैजनाको फरमाइस सारे सब्सक्राइबरको फरमाइस नानीमाको गाना लु यो सुप खाएर झन् गला दामी भयो गीत गीत भनेको त कोही पनि बेला गायो भने पो तातो सुप खाएर गला झन् तगडा हो गयो होइन गला अच्छा होला सोल्डरको सुप खाएको ओके गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए दर्शन ब्लॉग्स जस्ट एंजॉय योर लाइफ बी हैप्पी स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस बाय बाय गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय 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 सी यू बाय मम्मी जी बाय 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 सी यू सून खोया खोया चा सबै झुटो हुन्छ।